एक बात बताऊं तुम्हें बहादुर आदमी, क्या तुम जानते हो मैंने इन चंद घंटों में जो हमने साथ गुजारे हैं क्या महसूस किया? मैंने तुम जैसे बहादुर लोगों के साथ रहने को बहुत याद किया। तुमने उस नाजी को देखा? तुमने देखा वो मरने से पहले कितना गिड़गिड़ाया था? फदी, फदी ऐसा मत करे, माफ कर दे मुझे। मुझे बुजदिलों में भी होशियार लोग पसंद हैं, लेकिन ये शख्स तो बुजदिल और बेवकूफ दोनों ही एक साथ निकला। पहले तुम में से एक इनमें शामिल हुआ, लेकिन इस गधे को पता ही नहीं चला। फिर तुमने इसकी जासूसी की और वहां जो कुछ हो रहा था वो रिकॉर्ड कर लिया, और उसे उसका पता ना चल सका। मंसूबा नाकाम हो गया, और वो बेवकूफ कह रहा था कि उसके पास मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, और यही बेवकूफी उसकी मौत की वजह बनी है। फिर मैंने उससे कहा, दूसरी दुनिया में तो सर उठा के जीना, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन देखो, वो जलालत की मौत मर गया, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखना था तुमसे, वो इतना जी नहीं पाया। बहरहाल मरवान, तैयारी करो। मैं हमेशा तशद्दुद करने वाले और अज़ियत सहने वालों के ताल्लुक के बारे में सोचता हूं। यह बहुत खास ताल्लुक है, मुझ पर भी तशद्दुद हुआ, सच कहता हूं, और बहुत बुरे तरीके से। बोलो बोलो खबीस। सबसे अहम जिस्मानी दर्द नहीं, मैं कहता हूं बोलो। तुम जानते हो क्या अहम है? फलस्तीन की आजादी। फलस्तीन की आजादी है। पहले सख्ती झेल जाते हैं। आज मरोगे तुम। कहते हो कि झेल लूंगा, बहुत ही गलीज इंसान हो, लेकिन जैसे जैसे सख्ती बढ़ती है तब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। आपको महसूस होने लगता है कि आपने अपना वकार खो दिया है, जैसा कि वो आपकी रूह से परवास कर चुका है, और ये वही है जो वाकई तकलीफ दे है। तशद्दुद करने वाला वकार को आपसे छीन लेता है, उस शख्स से जिस पर वो तशद्दुद कर रहा होता है। खामोश रहे तो मैं तुम्हारा वकार छीन लूंगा, क्या तुम समझ रहे हो? लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम बेइज्जती की मौत मरो। हाँ, अगर तुम मरने वाले हो तो मैं चाहता हूं कि तुम वकार के साथ मरो। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम बोलोगे? अफसोस है मरवान, चलो तुम अपना काम शुरू करो। बिस्मिल्लाह। बता रहे हो या मजीद खेलना है? खेलना ठीक है, बता दो सली इंसान। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, बता दो जल्दी। क्या हम बात करने वाले? अभी तो शुरुआत है फदी।
जल्दी बोलो। लगता है ये अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा, दूसरा तरीका आजमाते हैं। देखते हैं कि तुम में अभी और कितनी बर्दाश्त बाकी है।